नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है और आज बच्चों ने जाना है, पूरे पूरे 2 घंटे लेट है ना। आज ये 9 बजे जाएंगे क्योंकि आज है अष्टमी, और अष्टमी करके 2 घंटे लेट लगेगी क्लास। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, स्कूल वाले ऐसा सोचते हैं, है ना। सोचते ही नहीं तो आजकल, या तो पूरी छुट्टी करेंगे या तो पूरी छुट्टी करते हैं, या करते ही नहीं। अभी इसमें क्लास भी चल जाएंगी इनकी। देखो अभी 8:30 हुए हैं, और अभी 8:30 नहीं, 8:15 ही हुए हैं। अभी है 1 घंटे के आसपास का टाइम है बचा हुआ जो कि, और ये बच्चे हो गए हैं आज रेडी। तो आज ये छक्के सो भी लिए और वैसे भी तैयार भी हो लिए, और इधर हमने दिया वगैरह लगा दिया है, पूजा पाठ अपनी कर ली है सारों ने मिल बैठ के। और यहाँ पे ये दिखा दूँ मैं आपको, मंदिर बहुत ही सुंदर सजा हुआ, और पीहू का एक रिवन गुम होगा। पीहू रिवन की वजह से हो रही है, परेशान है ना, मिला नहीं बेटा। इसीलिए तो कहते हैं ऐसे ही रखते हो, रखना होता है सामान को सारा। जब आप अच्छे से रखोगे तो फिर मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इधर देख, कभी इसके रुई वाले बैग में हो, कभी गलती से रख दिया हो। और धूप हो रही है आज खिली खिली, बढ़िया हो रहा है मौसम अच्छे वाला। ये देखो धूप पूरी खिली हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कि दोपहर का टाइम हो रखा है, और मौसम बिल्कुल अपनी करवट बदल ली है मौसम ने ना, अब गर्मी लगने लगी बहुत ज़्यादा। तो बच्चों की क्या तैयारी है अब? कृष्णा तो सोया हुआ है, उसकी तो छुट्टी है आज। कृष्णा की छुट्टी है बस, तो ठीक है। तो ये क्या अच्छा मिल गया क्या? नहीं, मैं तो एक्स्ट्रा रखूं, इसी वजह से ही तो एक्स्ट्रा रखूं मैं घर में सामान, क्योंकि मुझे पता है इनका, मुझे पता मेरे बालकों का है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये फिर उधर जाना, तो ये जला सी रही थी साइडों में। अच्छा, इससे ये चिपक जाते हैं सर, रेसे से तो। वेरी टैलेंटेड। हो गए रेडी? आपके भी रिवन गुम हो गए थे क्या? लापरवाही मतलब अपनी है, फिर देख कैसे घूर रही है। तो फ्रेंड्स, बच्चों का हो लिया है टाइम जाने का, और 9 बज लिए हैं, हमारी घड़ी में 10 मिनट का टाइम है अभी 9 बजने में वैसे तो, और इसीलिए हम 10 मिनट का यहाँ पे चेंज करके रखते हैं टाइम। और यहाँ पे खाना वगैरह बच्चों का तो लंच लग गया है, और आज इनके हैं 5 पीरियड, 5 ही है ना। तो 2 घंटे निकल गए ना ये स्टार्टिंग के, तो शुरू वाले हैं लास्ट वाले? शुरू वाले। अच्छा, शुरू के 5 पीरियड है बच्चों के। जो इनकी एक्टिविटी वगैरह होंगी मैं नहीं करवाने के, बस ये हो जाएगा जो पढ़ाई पढ़ाई के है ना, इतने इनके पढ़ाई के पीरियड है, इतने इनके एक्टिविटी के है। अच्छा, वो छोड़ देंगे ना। और इधर इधर बच्चे हो गए हैं रेडी, सूज आप भी सूज पहनो फटाफट, सूज पहनो आप भी ना, हो गए तो रेडी हो गए ना। और मैं भी ना अपना वही कर दूंगा ना नाश्ता, अभी मन नहीं कर रहा, नहीं चाय पी ली, और फिर वो खरबूजा खट्टा था बच्चों के लिए, वो खा लिया। मैं ये कह रही थी कल को, वो है कंजा के बिठानी, तो पूजा में देने को बच्चों के लिए कुछ ले आते, क्या क्या लगा? तो मैं चल पड़ूंगा आपके साथ, काम तो नहीं मिल गया मेरा भी। एक कभी चीज लानी, कितनी कंजक हो है, 4 तो ये मारी है, नीचे एक शिवी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एक वो नहीं जाने की नहीं, मैं तो आ जा, आज है ना अष्टमी में दर्शन दुर्शन करने जा रहे हो काल का माता जी, तो इसलिए मंदिर। हाँ। और वो अनन्या भी हो, चलो देख लेंगे जो होगा, अपनी तरफ से तो करना ही हो या ना हो, फिर गाय ढूंढ लेंगे इतनी। मैं तो खा लेते एक आधी रोटी, नहीं अभी मन नहीं कर रहा मेरा तो, चलो सो ले। हाँ बस इतना, मैं ये जरा से 5-4 बर्तन नहीं कर दूं। तो जी मैं आई थी इधर, और सामान लेने जाना है क्योंकि हमारे यहाँ नवमी में व्रत खुलते हैं, तो आशु का भी मैं ही ले जाऊंगी। अरे बस मेरे पे है तेरे पैसे, कल नहीं, 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 नही
फिर तुझे बता दूंगी खास कर दे जब वो कहीं नहीं कुछ हो गया मैं मैंने कह रही जितने का होगा फिर बाद में दे दिए कोई बात नहीं क्या क्या लाऊं तेरा जो वो कहेगी वही ले आइए उसको या तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है चल बता दूंगी मैं बता अल्लाह बच्चों को देने के लिए आई है एक तो मैं वापस लेने आ रही वापस लेने के लिए जा रही मैं तो वो एक तो वो लिफाफे में जो पेंसिल छोटे बच्चे यहाँ है यहाँ बस मैं कर दूंगी नहीं क्या फिर बाद में दे दिए तो जब होंगे चलिए जी ये चल रही इसकी चुट्टी ना मैंने बनाई कल भी हेयर स्टाइल में ही बनाई आज आप ज्यादा अच्छी लग रही तू कल भी सोनी लग रही थी अपने आप में बी कॉन्फिडेंट ठीक है देख सकल देख कैसे बना रखी ओहो गर्दन कबूतर की तरह देख देख तो कबूतर की तरह गर्दन यूं कर ले हाँ भाई तो जा लिया उनके साथ एक तो मैं ले आई है पेंसिल स्केल वाली कैसे आ तो सब छोड़ दे हां अब एक पेन ले आई है सब चलो भाई आ जा डब्बे डुब्बे जो फसलों का तेरी मम्मी ने जो यहां कहेगी वो ही ले आई हो आ तेरे चलो जी मैं मार्केट से और ये मंगवाया आज तुमने सामान इसने पेंसिल इरेजर पेन बोल ले थे सारे हाँ बस ये है कि ऐसी चीज ले लो बच्चों की लिखाई पढ़ाई में यूज हो असल में इधर तो आ जा बच्चे वहाँ पे जहाँ मैं रहूँ वहाँ पे है नहीं इतने वहाँ तो यही दोनों ये गुड्डू ईश्वर दोनों प्योर हुई और पांच वायु वहाँ पे इतना मेरा है नहीं शिवी का था मुझे मैं तुम्हें सोच रही थी वह नीचे शिवी है वह होगी अब वह सुबह भाभी जा ली नहीं तो मैं सोच रही थी मैं पांच करने आए तो ही जाऊंगी छटाई लंगूरा वो भी चली गई तो पांच ये वही बैठा फिर मैं वही सोच रही थी मतलब नौ की जगह चार तो ये होगी तीन चार जगह गाय कुकर का दे दूंगी तो मैं इनके चारों के लिए लाई थी कल के देने के लिए सामान लिए दिखाओ बेटे आपका क्या तो ब्रेसलेट है हाँ मुझे चूड़ियाँ नहीं मिली चूड़ी नहीं मिलती बच्चों की तो ये तो चारों बहनों के आ गए ये मैं एक जैसी इसलिए लेकर आऊँ सारियों की कल को ये लड़ना कि मौसी ने इसे ऐसा दिया मौसी ने उसे वैसा दिया या मम्मा ने इसे तो छांट भी गई किसी में वो है क्या बोल रहे हैं उसे क्या पता नहीं आंख सी इसमें तो आंख है इसमें तारे सितारे से क्या है इसके बैग में क्या है वो पता नहीं मैं नवीन देखा वो नहीं होता क्या वो घोड़ा था आया यूनिकॉर्न यार ये अच्छा यूनिकॉर्न तो हो जाएगा एक तो ये लाई और ये लाई इनकी पीने चारों की एक जैसी सुंदर ये दो अलग हैं बेटे ये दो अलग हैं नहीं जुगनू भैया के सर इसके ये फूल आगे से गुलाबी हैं इसके ये बीच वाले अपोजिट सा हो गया बस हाँ नहीं मैंने ध्यान दिया माँ तो मैंने सोचा सारी एक जैसी अरे ये लाई है बालों की बो इनके बालों की बांधने की ये इसके जैसी है और नहीं मिली या फिर गुड्डू को पसंद आई फिर मैं कहीं लाई तीनों बहने इनमें से ये ले लेंगी तीनों या गुड्डू गुड्डू को आई पसंद आई तीनों को एक जैसी ये गुड्डू के बालों के हिसाब से भी ठीक है अच्छे लग रहे कलर भी बस मुझे यूं रहे मैं साल भर में तो हुआ जा कब तक मैं साथ होता जा कब पैरा और डजी बिया अरे ना करो जी दे जा रोज मंगे अरे इस लंगूरे के लिए लाए ये इसे चाहिए था पेंसिल बॉक्स तो ये पर्पल कलर का पेंसिल बॉक्स लाया लड़कियों वाला बता ले उस दिन भी वो उसका लंच बॉक्स लड़कियों वाले पे ही परेशान और ये इसमें फिर हमने अंदर इसकी इरेजर शॉर्पनर और ये पेंसिल ये नु कह रहा कि नया कलर आया शॉर्पनर का इसे नु भी पता ये पर्पल ये तो मिल गया तो बस जी ये सामान है हमारा कल का मेरी तो इतनी रहती है तैयारी हर बार की जितनी है मैं भी दिखा दूं मेरा ये एक तो ये पेंसिल अलग अलग पैकेट बोला था मैंने लेकिन मैं मिले नहीं उनमें पैक हुआ या वे स्केल आज आतंक मचा रहे ना तो करना बचते नहीं है और ये है पेन ऐसे मतलब सारी चीजें एक एक करके दे देंगे और ये इरेजर और बाकी जो माता रानी का आशीर्वाद होगा माता रानी की जो इच्छा दक्षिणा वगैरह जो बनेगी वो
तो सुबह की तैयारी है, सुबह तो जल्दी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। भाई तो है जैसे ज्यादा ये सोचा ना कि जल्दी जल्दी सी कर लो तो और ज्यादा देर हो गया, अगर ये है कि नहीं भाई करना करेंगे एक बार तो फिर आराम से। तो जी बस ये था हमारा सामान कंजकों के लिए, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। तो जी राधे राधे, सुबह का टाइम है 5:10 हो गई है। कल उधर से आ गई थी जब मैं कंजकों का सामान लेके, फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। और आज है नवमी, रामनवमी है आज, आज बिठानी है हमें कंजके। तो अब बस मैं फटाफट से अपनी पहले साफ़ सफाई करती हूँ और दिन निकलने वाला है। उधर से सूरज देवता निकलते हैं। तो आज बच्चों की छुट्टी है रामनवमी के उपलक्ष्य में, तो गेट खोल देते हैं। सुबह सुबह हवा आती है ताजी ताजी और एकदम से फ्रेश सा फील होता है। बच्चे अभी लेटे हुए हैं, पियू के डैडी और कुछ नहीं लेटे हुए हैं यहाँ पे, पियू के डैडी, कृष्णा और पीहू, और मैं और रूही इधर लेटे हुए थे रूम में, यहाँ लेटे हुए। अरे सारा मन नहीं हो रहा था कि भाई लेट जाए थोड़ी सी देर और। खैर चलिए मैं लगती हूँ अपने काम पे फटाफट से। सबसे पहले मैं कर लेती हूँ झाड़ू पोछा और बच्चों को भी उठाऊंगी, बस अभी ही उठाऊंगी बच्चों को भी, फिर मैं आलस करते रहते हैं। मेरी कोशिश है कि 7:30-8 तक मैं कंजके अपनी कर लूँ। तो चलिए जी लगते हैं काम पे फटाफट से। तो जी मैं लगी हूँ अपनी साफ़ सफाई में। पीहू के डैडी भी उठ गए थे, पीहू रूही को भी मैंने शायद उठा दिया था, तो पता नहीं पीहू रूही नहीं उठी थी। पीहू के डैडी कहने लगे कि कोई नहीं थोड़ी देर रुक जा तू काम कर ले अपना पहले, फिर तब तक बच्चों को उठा देंगे। तो यहाँ पे देखिए बस मैं फटाफट से अपनी झाड़ू लगा ले रही हूँ और उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो सुबह ही सुबह काम जल्दी ही हो जाता है, तो तब फिर पीहू के डैडी को बुटीक जाना होता है, तो मेरी कोशिश ज़्यादातर इसीलिए रहती है जल्दी जल्दी करने की कि वो कम से कम टाइम पे अपने बुटीक पे चले जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लेट करूँगी तो ऐसे ही उनका लेट होता रहेगा। तो इसीलिए मेरी कोशिश ये थी कि मैं 8:30 तक अपना जो भी है सारा कर लूँ उसका, और बाद में जब काम बचेंगे वो तो मैं फिर देखती रहूँगी। तो जी बस यहाँ पे झाड़ू पोछा करके मैं नहा ली थी, और उससे पहले रूही भी नहा ली थी। रूही नहा के बैठी थी अंदर कमरे में कंबल में, और मैं भी नहा के आ गई थी। बालों को मैंने कर लिया है जूड़ा। आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि जूड़ा कैसे बनाते हो, तो जी मेरा तो ऐसे ही बनता है, रबड़ डाल लेती हूँ मैं और फिर बालों को लपेट के क्लच लगा देती हूँ। और जब मैं तैयार हो रही थी तब पीहू के डैडी भी चले गए थे नहाने के लिए। कृष्णा को हमने उठाया नहीं था पहले, मैं कहीं तंग करेगा फिर, तो इसीलिए बस हम ही थे यहाँ पे चारों। तो बस यहाँ पे मैं फिर कान्हा जी को नहलाने धुलाने लगी, और ये इनके मैं नए वस्त्र लेके आई थी खास इसी के ही लिए, अच्छा लगता है जब। और कान्हा के पास थे भी नहीं गर्मियों के जो पहले थे ना, जो इनकी बाजार से ड्रेस लाते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, पता नहीं कैसे। इनमें जो नीचे बुकरम सी लगा के रखे हैं ना, उनकी वजह से जल्दी ख़राब हो जा। नई नई तो अच्छी लगे, लेकिन एक दो बार धो दो उन्हें तो ऐसी हो जाए, वो बहुत पुरानी सी। तो यहाँ पे फिर मैं अपने कान्हा की 2 लेके आई थी, और पीहू के डैडी को मैं बल्कि बोल रही थी, मैंने कहा आप ना बना दो क्योंकि इनको तो आती है बनानी। तो खैर देखिए यहाँ पे दोनों बच्चे हो गए हैं तैयार ये भी, और इनको नई कपड़े पहना दिए हैं, और कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों के दोनों। और जो ये है ना गोविंद, मतलब जो छोटे वाले, इन्हें मतलब ये नहाते धोते हैं सारा कुछ करते हैं तो ये सीधे होते हैं बिल्कुल, लेकिन जहाँ इनको कपड़े पहनाए ना तो पता नहीं क्यों ये तिरछे होते हैं। ये शुरू से ही है इनकी, मतलब माधव सीधे बैठे रहेंगे लेकिन गोविंद जो है वो हमेशा तिरछे होते हैं, लेकिन जब नहलाते धुलाते हैं नेकर तक भी पहन लेते हैं तो वो सीधे रहते हैं। पूरे कपड़े पहनने के बाद पता नहीं क्या है कि वो एक तरफ को ही झुके हुए दिखते हैं, पता नहीं क्या कारण है इसका, मुझे भी नहीं पता। तो खैर देखिए उसके बाद यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे नहा धो के, और पीहू कुछ करने लगी थी शायद, तो पीहू भी या तो पीछे बैठी हो इसलिए नहीं दिखाई दे रही। तो हम लोग अपनी कर रहे हैं सुबह की पूजा पाठ अपनी, जो भी है जो भी हमसे होती है जितनी अपने उससे होती है उतनी हम कर लेते हैं।
तो जी बस इस वीडियो में था इतना ही, आगे का जो वीडियो है वो आपको मिलेगा शाम को, तो वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलती हूँ जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।